हेलो दोस्तों, मेरा नाम तोरुंदा। आज बताऊंगा लाइफ चेंज की। लाइफ कैसे चेंज होता है, कौन की के माध्यम से चेंज कर सकते हो आप लाइफ का। अचानक चेंज हो सकता है। जो डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूजफुल की है, वो की के बारे में आज मैं जानकारी देना चाहता हूँ, जिसका नाम है लाइफ चेंज की। कोई भी सेक्टर में चला जाइए, घर का, इंडस्ट्री का, फैक्ट्री का, ऑटोमोबाइल सेक्टर का, गैरेज का, तो ये जो की है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसका पूरा जानकारी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं इसलिए इस की के ऊपर आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जो आपके सामने कुछ कीज रखा हूँ मैं, आपके सामने दिख रहा है जो अलग अलग कीज है, जिसका पूरा एक के बाद एक जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैं हमारे पास एक लिस्ट है जो मैं आपको उसके थ्रू बताना चाहता हूँ। ये हमारा लिस्ट है, इसमें कुछ कन्वर्सेशन है जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब इंचेस में रहता है तो 1/2 होता है। ये 1 inches है। 1 inches का मतलब है मिलीमीटर में 25.4 है। 1/4 मतलब 6.3 millimeter है। 3/4 है 19.05 millimeter है। जैसा कहला जाता है एक सूत है। एक सूत का मतलब 1/8। 1/8 का मतलब एक सूत। इसको जब कन्वर्सेशन करे जाएगा 3.17 millimeter होता है। ऐसे 3 सूत मतलब 9.52, जो सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। जैसा 5/16 है, 5/16 हम लोग बोलते हैं, 5/16 क्या है, तो वो बहुत जानकारी होना, जिसका मिलीमीटर में होता है 4.74 millimeter। ऐसा आपको जितना भी नाट है, बोल्ट है, स्पैनर है, तो इसी कन्वर्सेशन से ही होता है दोस्तों। इसलिए मैं ये कन्वर्सेशन चार्ट सबसे पहले आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कन्वर्सेशन से ही, जैसे आपको बता दिया कि 5/8 का बोल्ट ले आओ, मतलब 5/8 मतलब क्या है, 5 सूत का बोल्ट है। 5 सूत का बोल्ट में होता क्या है वो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद में दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है वो है इसका स्पैनर। स्पैनर दैट इज, कोई जगह की कहलाता है, कोई जगह स्पैनर बोलता है, कोई बोलता है उसको रेंच। सभी चीज़ एक ही है। जो स्पैनर है वही रेंच है, वही की है। लेकिन की जो है दोस्तों, वो टाइप्स ऑफ की होता है। जैसे एक फिक्स स्पैनर, फिक्स स्पैनर मतलब दोनों साइड का जो साइज है वो फिक्स रहता है। वो 4 mm से लेके 32 mm तक मैक्सिमम होता है। 4 से लेके 32 mm, किसी में 10 होता है, किसी में 15 होता है, किसी में 20 होता है, किसी में 25, अलग अलग क्वांटिटी में होता है। वो आपको सेट के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सा लेना है आपका उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद होता है रिंग स्पैनर। रिंग स्पैनर भी फिक्स है, जो ग्रिपिंग कैपेसिटी उसका अच्छा होता है, मैं एक के बाद ही आपको दिखाऊंगा। उसके बाद एडजस्टेबल रेंज होता है, वो भी मैं दिखाऊंगा। उसके बाद एलंकी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एलंकी। अंडरकट कोई बोल्ट है, कोई बोल्ट जो है जिसका हेड मशीन के अंदर फिट है, उसके लिए आपको जो की यूज करना है जिसका नाम है एलंकी, वो भी मैं दिखाऊंगा। इसके बाद एक होता है सॉकेट स्पैनर, ये भी सेट दिखाऊंगा। मतलब दोस्तों, ये जो 5 की है यही है आपका लाइफ चेंज करने वाला की है। ये डेली लाइफ में से लेके जिंदगी भर तक आपका यूज होना है ये की, जिसका नाम है लाइफ चेंज की। फिक्स स्पैनर, रिंग स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर, एलंकी, सॉकेट स्पैनर, ये सब एक जगह यूज नहीं होता है, अलग अलग कंडीशन में। जैसा आपका खोलने का व टाइटिंग करने का व ओपन करने का कंडीशन आएगा, उस हिसाब से आपको स्पैनर यूज करना है दोस्तों। इसके बाद बताऊँ, ये जो स्पैनर का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो कैसे होता है, इसके बाद मैं बता रहा हूँ दोस्तों। मान लीजिए सबसे पहले दोस्तों, मैं आप बात कर रहा हूँ, ये है फिक्स स्पैनर। ये हमारा फिक्स स्पैनर है। फिक्स स्पैनर में ये बॉडी पर लिखा रहता है उसका साइज क्या है दोस्तों। ये साइज लिखा हुआ, यहाँ लिखा है 7/16, यहाँ लिखा है दोस्तों 7/16, ये क्लियर दिख रहा है 7/16। ये फिक्स पेनार है, ओपन पेनार है, दोनों साइज जो है फिक्स है 7/16। इसका जो बोल्ट होगा, बोल्ट का हेड जो है वो 7/16 होगा। एक बार दोस्तों मैं आपको बताऊं 7/16 का मतलब क्या होता है। देखिए यहां से लिखा हुआ 7/16 का मतलब 11.06 millimeter। यह है 7/16 का मतलब है 11.06 millimeter, मतलब जो हेड है, जैसा हेक्सागन बोल्ट है, माना चाहिए हेक्सागन बोल्ट है, माना ये हेक्सागन बोल्ट है, इसका जो हेड है वो 7/16 का होता है। और इसका अंदर का कितना होगा वो डिपेंड करेगा आपका, इसका सेकेंड डिजिट जो लिखा हुआ है, वो सेकेंड डिजिट लिखा है 1/2 inch। मतलब ये जो स्पैनर है ये 7/16 से भी काम करेगा और 1/2 inch में भी काम करेगा। जैसा ये 1/2 inch का बोल्ट है मेरा, ये 1/2 inch में ये फिट हो गया, ये फिट हो गया, मतलब ये दोनों चीज एक ही है। अब मिलीमीटर में करिए तो आपको ये मिलेगा, इंचेस में करना है तो ए BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। ऐसा ही इधर साइड में दोस्तों लिखा हुआ है 5/16। 5/16 का मतलब है 7.90।
516 का मतलब है 7.90। दोस्तों मतलब इसका 516 का जो हेक्सागोन हेड है वो यहाँ फिट होगा, उसका बोल्ट साइज जो है वो 7 mm होगा। ये हमारा फिक्स पैनल है जिसको क्रोमियम ब्रेस का होता है, टेप्लो का बना हुआ है, ये हार्डनिंग मेटल से फोर्ज करके बनता है फिक्स पैनल। दोस्तों ऐसा है भी दोस्तों जैसा ये दूसरा स्पेनर है जो जैसा दोस्तों ये इंचेस में था ऐसा क्या ऐसा ये स्पेनर है मिलीमीटर में है। यहाँ लिखा हुआ है 14-17 ये मिलीमीटर पे, कोई ऐसा नाट होता है जैसा मिलीमीटर में, जैसा एक नाट है ये नाट बोल्ट मिलीमीटर में, तो ये आपको फिट करके देखिए ये 14 का स्पेनर है। देखिए आसानी से फिट हो गया, कोई दोनों तरफ से गैप नहीं है, मतलब इसका जो हेड है वो 14 mm का है। ये क्लियर हो गया, ये जो स्पेनर है ये कभी भी इंचेस पर स्पेनर में ये फिट नहीं होगा, ये मिलीमीटर का बोल्ट है तो मिलीमीटर का स्पेनर यूज करना पड़ेगा जिसके ऊपर लिखा रहेगा 14, मतलब डिजिट में लिखा रहेगा, मेट्रिक स्टैंडर्ड में लिखा रहेगा तो वो मेट्रिक वाला होता है। जब 1/2, 1/3, 1/4 इस टाइप का लिखा रहेगा मतलब वो इंचेस वाला स्पेनर है। दोस्तों तो ये हुआ हमारा 14 वाला स्पेनर है जो इसे हमने फिट करके दिखाया, ये लिखा है 17 वाला स्पेनर है, मतलब ये 17 नहीं है तो इसमें ये फिट नहीं होगा। तो इस हिसाब से स्पेनर का यूज किया जाता है। दोस्तों और एक स्पेनर दिखाना कोशिश कर रहा हूं, ये हमारा 1/4 है। दोस्तों इसमें लिखा है 1/4, 1/4 का मतलब होता है 6.3 mm, जैसे 1/4 है ये हमारा 1/4 है, देखिए ये फिट हो गया 1/4 का नाट है, ये इंचेस का नाट है तो इंचेस का स्पेनर ही यूज करना है। मैट्रिक वाला करने से इसका हेड जो है वो जल्दी से खराब हो जाएगा, ये बोल्ट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। जिस साइज का जिस स्टैंडर्ड का बोल्ट है उस स्टैंडर्ड का ही आपको स्पेनर यूज करना पड़ेगा तभी ये फिक्स होगा, दूसरा कोई पॉइंट आपका इसमें फिट नहीं होने वाला है। दोस्तों ठीक है, दोस्तों इसमें 1/4 लिखा था तो हमने 1/4 लगा दिया, यहाँ BSW लिखा है और ये है 1/4, ये है स्पेनर। तो ये जो फिक्स स्पेनर है सबसे ज़्यादा यूजफुल चीज़ है जिसमें दोनों साइज फिक्स रहता है और बटे लिखा रहेगा तो वो इंचेस का पैनर है, बट डायरेक्ट लिखा रहेगा तो वो मिलीमीटर का पैनर है। जैसा ये स्क्रू मिलीमीटर पे है तो मिलीमीटर का लगाना पड़ेगा, जैसा ये स्क्रू इंचेस में है तो आपको इंचेस में लगाना पड़ेगा, जैसा ये स्क्रू मिलीमीटर पे है तो मिलीमीटर पे लगाना पड़ेगा। दोस्तों ये स्क्वायर है, ये आधा इंची का बोल्ट है तो आधा इंची का बोल्ट के हिसाब से ही आपको इंचेस का ही स्पेनर यूज करना पड़ेगा। दूसरा नंबर स्पेनर जो की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है रिंग स्पेनर। दोस्तों ये हमारा रिंग स्पेनर है, रिंग स्पेनर का दोनों तरफ से फिक्स होता है, ये हैवी लोडेड काम के लिए यूज करता है, लेकिन जो ओपन हेडेड स्पेनर होता है वो हैवी लोड काम नहीं कर पाता है, लेकिन स्प्रिंग स्पेनर जो है वो हैवी लोडेड काम करता है, इसमें ताकत भी ज़्यादा लगता है और लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसमें ताकत ज़्यादा लगता है, ज़्यादा ताकत में आपको कोई चीज़ टाइट करना है खोलना है तो रिंग स्पेनर का यूज किया जाता है। दोस्तों इसमें लिखा है ये मैट्रिक स्टैंडर्ड है, कारण इसमें जो डिजिट लिखा है 18 mm का पाना है और इस साइड में लिखा है 19 mm का, मतलब ये जो हमारा पास जो रिंग स्पेनर दिख रहा है इसका नाम रिंग स्पेनर, जो एकदम फिक्स होता है जिसका डायमीटर में कोई चेंजेस नहीं होता है, ज्यादा ताकत लगाने में इसको जरूरत होता है, जिस कंपनी का है जिसका नाम है जेके फाइल्स एंड टूल्स, ये जेके फाइल्स एंड टूल्स का फोर्ज करके बनता है, डायरेक्ट नहीं बनता है, फोर्ज करके बना तो बहुत हार्डन होता है, ये है रिंग स्पेनर जो मैट्रिक स्टैंडर्ड है। दूसरा नंबर हमारे पास एक स्पेनर है, ये स्पेनर है जिसका नंबर 17 है और 16 है, ये साइड है 17, ये साइड है 16, ये भी मैट्रिक स्टैंडर्ड का स्पेनर है। दोस्तों ये मैट्रिक स्टैंडर्ड का पैना है, आपको मैंने दिखाने की कोशिश किया, ये हेवी लोडेड में इसको यूज किया जाता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर जो स्पेनर है एडजस्टेबल पैनर, दोस्तों ये होता है एडजस्टेबल रेंज बाय एडजस्टेबल पैनर, इसका कैपेसिटी हमारे पास जो दिख रहा है दोस्तों इसका मैक्सिमम कैपेसिटी वेनास कंपनी का है, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 1 inches है, 1.00 से लेके 1 inches 25.4 mm तक बोल्ट किसी भी कम लोडेड हेवी लोडेड में इसमें काम नहीं होता है, हल्का लोडेड में आपको काम करना है तो ये एडजस्टेबल रेंज का यूज किया जाता है। ये एडजस्टेबल रेंज है, इसको एडजस्ट किया जाता है जैसा आपको साइज का चाहिए उस हिसाब से ये रेंज होता है, इसका नाम है एडजस्टेबल रेंज। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट से टूल्स होता है जिसका नाम है एलंकी। दोस्तों एलंकी ये होता है जब अंडरकट कोई बोल्ट है जो ऊपर ऑब्जेक्ट के फेस के अंदर में वो फंसा हुआ है आपको निकलना है तो इस टाइप से की का यूज किया जाता है, इसका नाम है एलंकी। एलंकी जो है उसका भी साइज में होता है, उसका बॉडी पे लिखा रहता है मिलीमीटर की इंचेस मीटर, जैसा इसके ऊपर लिखा हुआ है 3/8। दोस्तों ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 3/8 मतलब 3 सूत का ये बोल्ट है, ये 3 सूत का बोल्ट है, ये ऐसा दिखिए फिट हो गया,
ये फिट हो गया, परफेक्ट फिट होना चाहिए, इसके अंदर कोई भी ढीला होना नहीं चाहिए। मतलब ये जो बोल्ट है ये इंचेस का बोल्ट है, जिसका डायमीटर 3/8 का बोल्ट है, जो एलंकी बोल्ट है, जो एलंकी से ही खोलेगा, एलंकी से ही बंद होगा, तो दूसरा कोई भी स्पेनर नहीं लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा यूज होता है यही की, जिसका नाम है एलंकी। दोस्तों इसके बाद दिखा रहा हूं, जैसा दूसरा एक बोल्ट है, जैसा ये हमारे पास बोल्ट है, ये भी एलंकी है, जो उसका साइज हम बता रहा हूं, जैसा 516 है, 516 मतलब 7.9 mm का बात कर रहा है, ये भी एलंकी है, ये इंचेस में है, जिसमें 1/5 1/6 3/8 इस टाइप से लिखा रहेगा, उसका मतलब है वो जो बोल्ट है वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड का बोल्ट है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड का। जैसा आपको डायरेक्ट कुछ है, जैसा एक छोटा ये बोल्ट है, इसको मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद ये मिलीमीटर पे हो जाए, दोस्तों इसमें ये मिलीमीटर है, दोस्तों देखिए ये मिलीमीटर पे है, इसमें ये एलंकी में लिखा हुआ है, ये 6 mm का है, दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है 6 mm का है, मतलब ये जो बोल्ट है ये 6 mm का बोल्ट है, जिसको एलंकी के थ्रू आपको खोलना है और बंद करना है, बहुत इंपॉर्टेंस की है, इसको मैं बताने की कोशिश किया। दोस्तों इसके बाद बता रहा सॉकेट की, सॉकेट की जो हाँ नॉर्मल स्पेनर नहीं पहुंच पाता है वहां सॉकेट की का यूज किया जाता है। नॉर्मल स्पेनर मतलब जैसा हमने बताया एडजस्टेबल स्पेनर, फिक्स स्पेनर, रिंग स्पेनर, वो स्पेनर नहीं पहुंच पाता है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है तो आपको एडजस्टेबल के जगह ये स्पेनर सेट यूज करना होता है। दोस्तों ये हमारा सेट है जिसका नाम है सॉकेट की, जहां ये जो सॉकेट दिख रहा है ये इंचेस में है और कुछ आपको दिख रहा है मिलीमीटर पे है। जब रिंग जैसा कंडीशन है, ये आपका रैचेट हैंडल है, रैचेट होता है, वन वे चालू होता है, वन वे बंद होता है, ये फोल्डिंग भी हो जाता है दोस्तों, ये फोल्डिंग भी हो जाता है, जैसा भी डिग्री आपको चाहिए उस हिसाब से फोल्ड भी हो जाता है, ये फोल्ड हो जाता है, जैसा भी कंडीशन होगा आपको ये चलेगा, ये रैचेट है, वन साइड खुलेगा वन साइड बंद होगा, ये रैचेट है। ये सेट जो है अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है, इसमें जो मेरा पास जो सेट दिख रहा है ये 41 pieces की है, इसके अंदर इसमें स्क्रू ड्राइवर है, हेक्सागन है, पेंटागन है, स्क्वायर है, जैसा भी आपको चाहिए सभी टाइप्स का, टोटल 41 pieces इसके अंदर, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सॉकेट की। सॉकेट की में लाइफ चेंज करिए, आपका जिंदगी अच्छा हो जाएगा दोस्तों। सॉकेट की, सॉकेट की के बाद दोस्तों और एक इंपॉर्टेंस होता है, जो स्क्रू, देखिए ये है स्क्रू, इसमें देखिए इसमें कोई स्पेनर नहीं लगने वाला है, इसको खोलना है एकमात्र इंस्ट्रूमेंट जो उसका नाम है स्क्रू ड्राइवर, ये हमारा साफ स्क्रू ड्राइवर है, जो स्क्रू ड्राइवर से भी ये जेहेतु ये क्रॉस लगा हुआ है, मतलब ये प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर का जरूरत है, एक्चुअली प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर का है, नहीं है तो कम से कम माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर यूज करके इसको खोलना होता है। ये स्क्रू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूजफुल होता है स्क्रू, जिसको खोलने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, जिसका नाम है स्क्रू ड्राइवर। दोस्तों ये भी एक स्क्रू ड्राइवर है, ये देखिए स्क्रू ड्राइवर है, इसको खोलना है तो स्क्रू ड्राइवर का यूज करना है, कोई भी स्पेनर इसमें नहीं यूज हो पाएगा। बहुत जगह दोस्तों ऐसा भी ऑप्शन आता है जहां आपका किसी तरफ से पैनल नहीं लगता, जैसा कि ये हेड है, ये रिबेट हेड कहता है, इसमें स्क्रू स्पेनर लगने का ऑप्शन ही नहीं रहे, इसके जगह यहाँ ये स्क्वायर लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले स्क्वायर में फिट कर दिया जाता है, उसके बाद स्पेनर के थ्रू खोल दिया जाता है, ये रिबेट हेड, इसका नाम है रिबेट हेड। इसके बाद दोस्तों मैं एक चीज और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो है स्केल, ये हमारा स्टील रूल बा फुट स्केल है, जिसका लेंथ है 30 cm पर 300 mm, इंचेस में होता है 12 inches। ये स्केल में हर तरीके का डायमेंशन रहता है, 1/4, 1/8, 1/16, जो भी है आपको जितना रिक्वायरमेंट चाहिए, साथ साथ इसका कन्वर्सन ये आपका पीछे लगा रहता है, जैसे आपके पास पता नहीं है ये 316 का मतलब क्या है, दोस्तों आप यहाँ से आराम से देख सकते हो 316 का मतलब क्या है, 516 का मतलब से है क्या है, 716 का मतलब क्या है, पूरा चीज़ एक कन्वर्सेशन में मिल जाएगा। दूसरा नंबर आपको ड्रिल करना है, आपको पता नहीं है ये 12 इंची 1/2 inches का टैप है, कितना ड्रिल करे आपको पता नहीं लग रहा है, तो एक कन्वर्सेशन से आपको ड्रिलिंग करने के जो प्रोसेस होता है, टैपिंग करने के पहले जो ड्रिलिंग होता है, उसका कन्वर्सेशन चार्ट भी दोस्तों यहाँ लगा होता है, आपको पूरा मिल जाएगा। इसके बाद माना है कि 4 inches है, कितना मिलीमीटर है आपको पता नहीं हो रहा है, दोस्तों यहां से देख लीजिए 4 inches मतलब कितना इंचेस, 4 inches मतलब कितना मिलीमीटर है, 2 inches मतलब कितना मिलीमीटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्सेशन चार्ट, जो डेली लाइफ में बहुत जरूरत होता है, ये है कन्वर्सेशन चार्ट, जिसका स्टील रूल है, जिसका हर तरीके का डायमेंशन मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा वर्नियर कैलिपर है, ये हमारा वर्नियर कैलिपर है, जिसका लिस्ट काउंट 0.02 है, ये मिलीमीटर का लिस्ट काउंट है, ये इंचेस वाला लिस्ट काउंट है, जैसे आपको डायमेंशन लेना है। मान लीजिए हमने
एक ऑब्जेक्ट ले लिया, मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका हेक्सागन साइज आपने देख लिया, ये 20x22 का पोर्ट लगने वाला है, 20x22 का बोल्ट माना है, आधा इंच का हेड है, तो ये आधा इंच का होल्ट के हिसाब से 20x22 का पोर्ट लगता है, 20mm दिखा रहा है दोस्तों। लेकिन इसका अंदर साइड का हेड क्या है, जो स्पेनर पे लिखा है वो होता है 12mm। देखिए इसको चेक कर लेता हूँ, देखिए दोस्तों वर्नियर कैलिपर में भी 12mm भी दिखा रहा है, मतलब आपको कोई डाउट नहीं होना है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट है तो आप हर चीज घर में बैठ के उसको सेट करके काम कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये वर्नियर कैलिपर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी, जो स्टील रूल में जो मेजरमेंट आपको नहीं दे पाता है उसको मेजर करने के लिए ये वर्नियर कैलिपर का यूज किया जाता है। दोस्तों आपको पता नहीं लग रहा है ये कितना का बोल्ट है, ये 6mm का बोल्ट है, आपको पता नहीं लग रहा है दोस्तों, इससे चेक कर लीजिए ये कितना mm का बोल्ट है, देखिए दोस्तों ये 6mm दिखा रहा है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है जो एक के बाद एक बहुत जरूरी है, मैं आपको एक के बाद एक हर इंस्ट्रूमेंट दिखाने की कोशिश किया, जो लाइफ चेंज करने के लिए हर इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरत है वो है उसका स्पैनर, बाकी ये है आपका लाइफ का की। मैं मानता हूँ ये जिसको पता है उसको कोई भी काम परेशानी नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक हर काम कर देता है। तो ये हमारा स्पैनर था, फिक्स स्पैनर, रिंग स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर, एलांकी सॉकेट स्पैनर, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पैनर है उसके साथ बोल्ट का कॉम्बिनेशन, इंचेस वाला बोल्ट कैसे होता है, मैट्रिक वाला बोल्ट कैसे होता है, एलांकी वाला बोल्ट क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने दिखाने की कोशिश किया। अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, थैंक यू।